चुके हैं, हमने उनसे अनुरोध किया था और आज हम बड़ौदी जी की जयंती पर उनको श्रद्धा सुमन हमने अर्पित किए हैं। उसके बाद हम आज विधिवत अपना कार्यक्रम यहाँ शुरू करते हैं। सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का जो हमारा मुख्य विषय है वो विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन। सभी साथी लोग अपनी अपनी सलाह देंगे। हमारे सैनिक साथी कई हमारे बीच आए हुए हैं, भूतपूर्व सैनिक, हम उनसे सलाह लेंगे कि वो अपना जो है यहाँ पर सैनिक प्रकोष्ठ का आज गठन हम करेंगे। सैनिक प्रकोष्ठ का गठन यहाँ पर होना है। युवा साथी हमारे बहुत सारे, जो हमारी बैठक है तो कोविड-19 के चलते काफ़ी लंबे समय बाद हो रही है पूरे जिले की बैठक, और आज स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ौनी जी पर्वती गांधी उनकी जयंती भी है। इस शुभ अवसर पर हमारा पूरे जिले के कार्यक्रमों का निर्धारण होना है। हमारे जिले के प्रभारी मुस्लिम मंडाल जी यहाँ पर मौजूद हैं, पिथौरागढ़ के प्रभारी गोमचंद जोशी जी हैं, और इस समय जो पूरे देश के हालात हैं, भले ही मीडिया उसको प्रस्तुत कर रहा हो न कर रहा हो, पूरे देश में किसान आंदोलित है। उत्तराखंड का किसान जंगली जानवरों से परेशान है और 20 वर्षों की हमारी सरकारें मस्त हैं। इन सब चीज़ों के चलते उत्तराखंड क्रांति दल, जिसने इस राज्य का नेतृत्व किया, हम सब लोग जो पूरे प्रदेश में खासतौर पर बेरोजगारी बढ़ी है, बाहर से लोग वापस लौटे हैं, उनके लिए सरकारों की कोई भी नीतियाँ, एक वर्ष बीतने को है अभी तक कोई स्पष्ट नीति सरकारें नहीं बना पाई हैं, डबल इंजन की सरकारें नहीं बना पाई हैं। हम लोगों का ये मानना है कि राज्य आंदोलन की तर्ज पर जो उत्तराखंड क्रांति दल ने नेतृत्व दिया और राज्य हासिल किया है, उसी तर्ज पर उत्तराखंड की तमाम रोजगार की नीतियों समेत राजधानी के सवाल, जंगली जानवरों के सवाल, पहाड़ की खेती, किसानी, किसानों के सवाल, इन सब चीज़ों को लेकर के संगठन को मजबूत करते हुए आंदोलन की रणनीति बनाने पर आज की बैठक में विचार करेंगे।